ओदा मुजाहरा कयामत तक वासे ओदा मजहर सहाबा इकराम की जात भी बनी है। देखिए माइस बिन मालिक ते हद लगी मुआमलात होए इस तरह इस्लाम के अंदर जितनिया भी हदा ने मुआमलात सन अमली तौर पर होइया। अगर अमल जिंदगी अंदर नहीं तो फिर कोई भी इबादत दा कोई भी रियाजत दा कोई भी कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं। इस वास्ते लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी गल की, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। प्यारे भाइयों नबी अली सलाम दे कोल भी जदों भी सहाबा इकराम आउंदे ना ते आ के सहाबा इकराम नबी अली सलातो सलाम दे सामने जदों भी गल करदे अमल दी गल करदे अय्यु शैइन युजिबु महबूब केड़ी ऐसी चीज़ जड़ी वाजिब कर देगी अल जन्ना जन्नत नू केड़ा ऐसा अमल है आके सवाल कादा कर दे अमल दा सवाल कर दे अमल दा। मैं आसान करके इवें गल समझावा। एक बंदा घर बैठा रहे ते वो कवे कि मैं मोटरसाइकलों का कारीगर बन जाऊँगा पढ़ के भी बंदा कारीगर बन सकता है। एक बंदा घर बैठा रहे वो आखे मैं किताबां पढ़ के जनाब साइकिल का कारीगर बन जाऊँगा। मैं किताबां पढ़ के हवाई जहाज़ उन्हों का जनाब मकैनिक बन जाऊँगा। ओ प्यारे भाइयों तालीम बेशक अपनी जगह पर अहमियत है लेकिन जब तक तालीम के नाल अमल नहीं होएगा तब तक फायदा होएगा तब तक फायदा नहीं होएगा। सहाबा इकराम का यही अंदाज़ सी माजा युन जी महबूब केड़ा ऐसा अमल है कि जिदे नाल सानू निजात मिल जाए। सहाबा इकराम सवाल कर दे नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और वाकियतन नहीं जितना भी दीन इस्लाम है सारा अमल का नाम और अल्लाह फरमाते ने महबूब जड़े लोग अमल करते ने की करते ने की करते ने अमल करते ने। साडा तो इन्हें भी अल्लाह ने दो कान दिते ने इधरों सुन लिया तो उधरों कट लिया वगरना अगर असी अमली मुसलमान होंदे तो साड़ियाँ जिंदगी ही होर होंदियाँ। असी अमली मुसलमान होंदे तो अंदाज ही जिंदगी का होर होंदा। अल्लाह ने कुरान च कहा महबूब जिहड़े लोग अमल करते ने तो फिर नेक अमल की गल है ना बुरे अमल की गल तो है नहीं। जिहड़े अमल करते ने हरमाया महबूबा उन्हां दा अजर इतना है कि उस सोच भी नहीं सकते। इस वास्ते गौर करो कुरान पाक ने भी वजाहत फरमाई और नबी कुल नबी कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दे सहाबा दा ते तर्ज अमल ये सी सहाबा आंदे ते आंदे हजूर दुल्लुनी अला अमली महबूब कोई ऐसा अमल दस दियो सानू जिदे नाल साडी निजात हो जाए। माजा युन जी महबूब कोई ऐसा अमल दस दियो साडी निजात हो जाए। इस वास्ते अमल नू जिंदगी दा हिस्सा बनाओ। बेअमल बंदा जेड़ा है वह चाहे सारी सारी जिंदगी वेखो ना अमल की अहमियत तुसी थोड़ा कर लो लेकिन हमेशा करो। बात समझते हो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया थोड़ा अमल कर लो लेकिन हमेशा करो। एक बंदा शहद की बोतल पी लवे चुक के एक बंदा जिहड़ी दवाई दस दिन च खानी एक दिन च खा ले फिर असी कहांगे दे साइड इफेक्ट हो रहे हैं इंज ही है ना। तो जे ओदी तरतीब नाल उन्हूं खादा जाए ओदे इस्तेमाल के मुताबिक उन्हूं समझिया जाए तो इस्तेमाल किया जाए ओदा नुकसान होएगा नहीं होएगा। इस तरह प्यारे भाइयो दीन इस्लाम च नुकसान तो कोई नहीं लेकिन अमल थोड़ा कर लो रोज़ कर लो रक्तां दो नफलां दियां पढ़ लो भावें रोज़ उठ के रात नूं पढ़ लो। कुराने पाक दा एक वर्का ही रोज़ पढ़ लो अल्लाह सानू समझ नसीब फरमाए। यार स्पीकर बहुत ज़्यादा गले नूं पैंदा पिया कोई थोड़ा बहुत इन्हें कुछ चेंजिंग करो। नबी कुल नबी कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलाम दी ज़ाते गिरामी मेरे पाक पैगंबर ली सलातो सलाम ते अल्लाह पाक ने ना कुरान नाजल फरमाया
फरमाया महबूब सोने नेक अमल करन वालियां दी मिसाल बयान फरमाओ। फरमाया ए मेरे महबूब जी इन्नल्लज़ीना आमनु वामिलु सालिहात। इदी ट्रबल थोड़ी जी कटाओ यार, थोड़ी जी ट्रबल कटाओ, ट्रबल कटा के थोड़ी आवाज़ खोल दियो। इन्नल्लज़ीना आमनु वामिलु सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। अल्लाह फरमांदे ने जेड़े लोग नेक अमल करने वाले ने, जेड़े नेक अमल कर, गल इत्थे भी कादी हुंदी भी है अमल दी, कादी हुंदी भी, मैं यही लफ्ज समझाउणा है, की समझाउणा है, अमल। हाँ, और ये गल अपने ज़हन च बिठा लो, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। खोलो दी फिर अज नाल कोई कुछ को खोल दो, फिर वेखी जग जो होगा खोल दो। नबी कुल नबी कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलाम दी जाते गिरामी, और कुरान दा दूसरा मुकाम इल्लल्लज़ीना आमनु वा आमिलु सालिहात। फरमाया लोग जेड़े नेक अमल करते ने फालाहुम अजरुन गैरु ममनून। महबूब सोनिया उन्हां वास्ते ते अजर ही अजर है, ना खत्म होने वाला अजर है, जेड़ा बंदा अमल करता है, की करता है, अमल करता है। मेरे पाक पैगंबर ली सलातो सलाम दे सहाबा अमल दी इंतहा कर देंदे। इंज मेरे पाक पैगंबर दे कोल एक सहाबी आया है ते हाथ च सोने दी अंगूठी पाई है, की पाई है, सोने दी अंगूठी, कुछ नहीं खुला यार इहदा दे, चलो बैठो बैठो चुप करो, उन्होंने पता है, चुप करके बैठो, तुम अपना अजर ज़ाया ना करो, चलो जदा अगला इतने रहन दो, ठीक है ठीक। अल्लाह दे पाक पैगंबर ली सला दो सलाम दी जाते गिरामी, आवाज़ करना च वजदी तो नहीं पई, चलो अल्लाह दे पाक पैगंबर ली सला दो सलाम दी जाते गिरामी से अभी आया ते आंदा महबूब सोने एने सामने बह के सवाल पे करता है, ते मेरे नबी दी नज़र पै गई हाथ दे अंदर इन्हें अंगूठी पाई हुई है, सोने दी अंगूठी पाई हुई है। ते जगां दे पीर ली सला दो सलाम ने समझा दिता सी कि सोना मर्द ते हराम में चांदी एक मकदार की हद तक जायज है। फिर मेरे पाक पैगंबर ली सलाम ने समझाया कि रेशम मर्द पा सकता, पा सकता तो हूँ नहीं ना पाते हैं, क्यों बेन जी है ना, ना तो शादियां दे पाने ना आम आम हालात अंदर, अल्लाह दा नसीब फरमाए। आहो मैं अज ना सारियां, मैं इंशाला अज गल ही समझाउणी है तुहानू, खुतबे का चस्का आवे ना आवे भी तुसीं चस्के दे ही लगे जे, तरबीती गल्लां इंशाला रहमान तुहाडे सामने मैं रखांगा, बड़ी मुहब्बत नाल समाद फरमाउणियां प्यारे भाइयो। मैं इंशाला गुफ्तगू इस गल ते करनी है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, गौर करना। ते मेरे पाक पैगंबर ली सलातो सलाम ने वेख्या ना, आप फरमांदे ने प्यारे अल्लाह पाक ने मोमिन मुसलमान ते सोने नू हराम करार दिता है। ते हुण साडा पता की हाल है, आंदे ने मौलवी साहब चलो शादी दी झट घड़ियां ने हुण ते पा लईए, मंगनी कड़ी को बार बार होनी है, झट हुण ते पा लईए, इस एक लम्हे नहीं तेरे इमाम का जनाजा कट के रख दिता है। जिंदगी दे अहम गोडे छड़ दो साथी, गोडे छड़ दो। नबी कुल नबी कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलाम दी साते गिरामी, अल्लाह दी कसम अगर सोने दी बात हुंदी ना, मेरे आका उह पहाड़ वाले इशारा करदे, अल्लाह सोने दा बना देंदे। बल्कि हदीस पाक अंदर है, इंज मेरे पाक पैगंबर ने नमाज अदा फरमाई ते जगां दे पीर रब दे हबीब अली सलातो सलाम ना, मेरे नबी जल्दी नाल उठे सफा नू फलांग दे होए, हालां नबी अली सलाम ने मना फरमाया भी साफ नू फलांगना नहीं, एंज चीरते हुए ना नबी अली सलाम गुजर गए, तो कायनात दे इमाम अली सलातो सलाम गुजर गए, हुजूर अली सलाम तशरीफ लै गए, तो थोड़ी देर बाद सहाबा बैठे ने। हुण किन्नी कु देर लगी होएगी, नबी अली सलाम इतनी देर च वापस भी आ गए, वापस आए ना महबूब,
ते अल्लाह दे पाक पैगंबर ली सलाम आके बह गए सियाबंद ने सुनियो अज खिलाफे मामूली काम कीता जे महबूब सोने इंज ते पहले नहीं तुसी कर दे सो आका फरमांदे ने सहाबियो गल सुन लवो मैं बैठा सा सलाम फेर के मेरे दिल अंदर ख्याल आया ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम तेरे घर दे अंदर सोने दी एक डली पई हुई असल किसी ने तोहफा दिता सी सोने दी डली पई हुई है पता नहीं अगला सा आना है कि नहीं आना मेरे घर अंदर सोना मुहम्मद का घर ते सोना मेरे पाक पैगंबर ली सलातो सलाम ने नू चुकिया आप फरमांदे ने मैं सदका करके सहाबियो आ गया वा ओ मेरे पाक पैगंबर ली सलाम फरमा रहे ने सहाबियो गल सुनो ना जी महबूब सोने आप फरमांदे ने अल्लाह ने मर्द ते सोने नू हराम कर दिता है अल्लाह ने मोमन मर्द मुसलमान मर्द सोने नू हराम कर दिता है हुन वेखना मैं अर्ज कीती है अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी इस सहाबी अंगूठी उतार दे उतार के सट देंदा है अल्लाह जुल जलाल दी कसम इंज मजलस बरखास होई कायनात दे इमाम दे सहाबा तशरीफ ले जा रहे ने ते जगां दे पीर रब दे हबीब अली सलातो सलाम भी चले गए ने सहाबा चले गए ने एक सहाबी रह गया है ते नाल चंद साथी बैठे ने ते आंदे ने ओ साथी आ इस अंगूठी नू चुक लै किसे होर काम च लै आ किसे होर इस्तेमाल च लै आ ते कहन लगा लोगो गल सुन लवो मेरे पाक पैगंबर लई सलाम ने फरमाया इनू उतार के सट दे मैं किवें चुक लवां इल्लज़ीना आमनू वामिलु सालिहात फालहुम अजरुन गैरु ममनून अल्लाह फरमांदे ने जड़ा नेक अमल करदा है अमल करदा है कल्ला सुन लेना ही काफ़ी नहीं कल्ला समझ लेना ही काफ़ी नहीं मालो दौलत लगा देना वो भी एक अमल तो है आ लेकिन लगा के अमल ना करना बाज इंज होंगे ना साल बाद आके 5,000-10,000 मसीते दे जाते हैं 50,000 मसीते दे जाते हैं मौली साहब साडा हिस्सा पा लो तो पूरा साल नमाज नहीं पढ़ी फराइज अदा किए फराइज जैसा अमल छड़ चलिया फराइज जैसा अमल छड़िया है अल्लाह की कसम रब नू तेरे ऐसे सदके की कोई जरूरत नहीं तू घर बार भी वेच दे सारा पहले फराइज ने पहले की ने फराइज अदा करने पैणगे फराइज जब तक अदा ना होए तब तक सदका तो खैरात ये सारे अमल भी काबले कबूल होणगे नहीं होणगे गौर करना अल्लाह दे पाक पैगंबर ली सलातो सलाम दी जाते गिरामी सैयदना सईद बिन मरजाना रदी अल्लाह ताला रज़ी अल्लाह ताला अन्ना हरमांदे ने मैं सैयदना अबू हुरैरा कोलों हदीस सुनी मेरे पाक पैगंबर ऐ मिसालां सुनते जाना उन्हां लोगों का जिक्र खैर और साथियो एक मुहब्बत नाल गल करांगा मुहब्बत नाल एक पैगाम देवांगा उते बकरियां दे अयाड़ी सन उते अखाड़े अंदर लड़न वाले सन उन्हां नूं ते अपने रिश्ते ते ताल्लुक वास्तियां ते राबतियां दा भी कोई हया नहीं सी इतनी चेंज किवें आ गई इतना अल्लाह पाक ने मुकाम किवें दे छड़े है अल्लाह दी कसम अज 1450 साल तो ज्यादा अरसा गुजर गया है गुजरां वाला दी मस्जिद अब्दुल्ला अंदर इस मिंबर ते उन्हां दा जिक्र हुंदा पिया ते कोई वजह है अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना है एक कोई वजह से ना अखलास दे नाल अमल नू पल्ले बने है इखलास इतना उन्ना दे दिलां दे अंदर सी कुट कुट के भरिया होया है फरमांदे ने हजरत सईद फरमांदे ने मैं हदीस सुनी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोलों कि मेरे पाक पैगंबर ली सलाम ने फरमाया है कि जिहड़ा बंदा एक गुलाम नू आज़ाद करदा है ना तो उस गुलाम दे एक एक आज़ाद दे बदले अल्लाह आज़ाद करन वाले दे अज़ाब मुआफ करदा। सादा लफ्ज़ां च एक बंदा मुआफ कीता है ना अल्लाह पाक इस आज़ाद करन वाले नू मुआफ कर देंदा जहन्नम तो आज़ाद फरमा देंदा है। हज़रत सईद फरमांदे ने मैं चलदिया चलदिया ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैं हसनैन दे बच्चे कोल आ गया मैं अहले बैत दे चश्मे चुराग कोल आ गया जिन्हां नूं इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जांदा है ए इबादत नूं मुज़य्यन करके जिहड़े रब दी लौ दे अंदर ही लगे रहिंदे सन। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह दे कोल आ गया आके मैं हदीस सुनाई है हदीस हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सुनिए ते फरमांदे ने गल सुनो मेरे एक गुलाम नू बुलाओ गुलाम नू बुलाया जांदा है ते फरमांदे ने मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा एक गुलाम आजाद करदा है अल्लाह उस बंदे नू जहन्नम तो आजादी दे चढ़ दे ने ते जा मैं तेनू आजाद कीता। हाला इब्ने जाफर कोलों सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने 10,000 दिनार 10,000 दिरहम गुलाम खरीदया सी इतना महंगा गुलाम बेच दिता है। वजह की है इल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात नेक अमल 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 करके उन्हें विखाया इधरों सुन के इधरों कढ़िया नहीं कढ़िया उन्हें अमल करके विखाया। मौली साहब की तकरीर बड़ी मौली साहब की आवाज़ बड़ी बड़ा स्वाद आया है जुम्मा सुनन दा तकरीर सुनन दा ते अमल साड़ी जिंदगी च हाय हाय अल्लाह सानू बा अमल बनाए दुआ करो अल्लाह सानू अमल वाला बनाए। जगां दे पीर रब दे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम दे सहाबा फरमांदे ने एंजना सैयदना अबू सईद रदी अल्लाह तआला ने हदीस रावी ने फरमांदे ने मेरे पाक पैगंबर ली सलातो व सलाम हजूर ना नमाज पढ़ा रहे सन की कर रहे सन नमाज पढ़ा नमाज पढ़ाद्या ना अबू दाऊद किताब सलात हदीस मौजूद है नबी सलातो सलाम नमाज पढ़ाद्या हजूर ने अपनी जुत्ती ला के परा रख दी हूँ हदीस लफाज सुना की ला के परा रख दी की ला के परा रख दी अपना जुत्ता उतार के नबी अली सलाम ने अलहदा कर दिता तो पढ़ा की रहे सन हैरान। अबू दाऊद किताब सलात इमाम साहब ने बाब ये कायम किया है कि जुत्ती वेच नमाज पढ़ना हूँ जान दे बाद साथी जो नमाज जनाजा का अमल हों साथी अंदर आ जाओ यार जवान हो अंदर आ जाओ मेरे पुत्र आ जाओ शाबाश नबी कुल नबी कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम दी ज़ाते गिरामी गौर करना जरा बाद साथी जनाजा पढ़ते हैं जुत्ती पा लेंगे ने तो इतराज़ किया जाता है कि जुत्ती पा के जनाजा हदीस सही अल बुखारी अंदर है अबू दाऊद अंदर है मसला समझना ध्यान ना जरा और इंशाल्लाह मैं इस तरह समझा देंगा अल्लाह की तौफीक नाल जरूरत नहीं बाकी रहेगी। सवाल किया जाता ना और इतराज़ किया जाता है कि जुत्ती पा के अल्लाह रसूल का नाम ले जाते हैं। मैं तुहाड़े को सवाल करना नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पानी ना लब्बे तो की करो तयम्मम करो ना तो तयम्मम किदे नाल हुंदा है मट्टी नाल इस तरह ही है। महबूब बात समझ नहीं आई तो तयम्मम करना किस तरह गौर मेरे वाले करो तयम्मम दा तरीका आसान तरीका दोस्तों पता हो याद दहानी इस तरह मट्टी दे हाथ लगाने ने फूक मार लैनी मूँह ते हाथ लगाना अपने हाथों से यह तुहाड़ा तयम्मम मुकम्मल हो गया बात समझ लवो मट्टी ते हाथ लगाने ने फूक मार लैनी बात समझ रहे हो फिर अपने इस तरह मूँह ते हाथ लगा के अपने ऐ जे तुहाड़ा तयम्मम ऐ जिहड़ा कोणियां तक ले जाना वगैरह वगैरह किसी हदीस तो साबित नहीं इतना तयम्मम है। महबूब ये बंदा जुम्बी है बंदा नपा के ये बंदा नपा के ते इतनी मिट्टी ने इनू पाक कर दिता है ये तो नपा के अल्लाह तुहानू इस मसले की समझ नसीब फरमाए
मैं जिस तरह मसला समझा रहा गौर करना जरा हदीस नू जोड़ के समझा लगा। अगर मट्टी तुसी इस मट्टी नू अपने पूरे जिसम से मलिया नहीं मलिया सिर्फ मूँह तो मलिया तो हत्थां ते मलिया है ये ना इतनी मट्टी तुहाडे पूरे वजूद नू पाक कर रही है और तुहाडी नमाज हो जाती तुहाडी नमाज हो जाती है। तो नबी अली सलाम ने फरमाया जिन्हें जुत्ती पाई हो मिट्टी ते रगड़ लवो मिट्टी ते रगड़ लवो और नमाज अदा कर लो अल्लाह नमाज कबूल फरमा लेगा। मसला समझ आया बात समझ लगी। जे तयम्मम दी इतनी मट्टी पूरे वजूद नूं हालांकि दूसरे हिस्से ते गलाज़त है अगर पाक कर सकती है तो इयो ही मट्टी जुत्तियां नूं क्यों पाक नहीं कर सकती। अल्लाह सानूं समझण दी तौफीक नसीब फरमाए। हाँ प्यारे भाईओ अमली तौर ते चीज़ां नूं समझो। हाँ ये भी बात है कि जिते कोई जनाजगा पक्की है अगर उत्थे जानबूझ के कोई दिखावे वास्ते शर वास्ते जुत्ती लैके अंदर जाता है वह जुत्ती ला के उसे सिर च मारो। कच्ची जगह है या कोई होर जगह ऐसा मामला है जिवें पिंडां च हुंदा है कोई मामलात हुंदे ने तो उत्थे बंदा बिल्कुल सुन्नत अमल कर सकता है। गौर करो मैं हदीस पढ़ रहा अबू दाऊद किताब उस सलात विचो गौर करो कायनात दे इमाम जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम दी जाते गिरामी अल्लाह दे पाक पैगंबर ली सलातो सलाम फरमांदे ने सहाबियो मैं नमाज पे पढ़दा सा ए मेरे सहाबा गल सुनो ना ते मेरे कोल जिब्रील आ गया। कौन आ गया? मेरे कोल जिब्रील आ गया ते कहन लगे फा इन्ना राफी नलई काजारन महबूब सोनिया तुहाडियां जुतियां दे थले गंद लगा होया सी अल्लाह दे नबी जी जुतियां लैदा कर दियो ना। सहाबा ने भी नमाज दी हालत वेखिया कि मेरे पाक पैगंबर ली सलाम ने जुतियां अलहदा कर दितियां ने सहाबा ने भी जुतियां उतारियां ते अलहदा कर दितियां ने। मसला की समझ लगा जुतियां कायनात दे इमाम ने भी पहनियां ने जुतियां सहाबा ने भी पहनियां ने ते मेरे पाक पैगंबर ली सलाह तो सलाम मसला जरा समझाना चाहना। सहाबा वेखिया उस वेले अमल करके विखाया अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ऐसा हाबा इकराम दा तर्ज़े अमल है कायनात दे इमाम अली सलातो सलाम दे सहाबा। अगर मैं मैदान जंग च वेखा सहाबा दे अमल दियां मिसालां अगर मैं अमन च वेखा सहाबा दे अंदाज दियां मिसालां मैं जिंदगी दे किसी भी शोबे नूं वेखा मुआमलात नूं वेखा इबादात नूं वेखा रियाजतो सियातो क्या तो फिक्रो सोचो नज़र नूं वेखा जिंदगी दे किसी किसी शोबे नूं वेखा हर अंदाज नाल सहाबा बा अमल ही नजर आउंदे ने सहाबा बा अमल ही नजर आउंदे ने सहाबा ने अमल करके दिखाया है। आ वेखो ना सैयदना तलहा बिन उबैदुल्ला रजी अल्लाह तआला अन ओ सहाबी ने जिहड़े चौथे नंबर ते इस्लाम ले आए ने ओ सहाबी ने जिन्हां नूं मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने जिंदगी दे बड़े मौके ते मेरे नबी ने अलकाबात नाल नवाजिया। कदी आप फरमांदे ने मेरा तलहा जवाद की है जवाद खर्च करने वाला सही मेरा तलहा जवाद है। मेरे पाक पैगंबर ली सलाह तो सलाम सिफतां फरमांदे ने ते कदी मेरे पाक पैगंबर ली सलाम ने में भी फरमाया मैं अर्ज करना कि मेरा तलहा जिंदा शहीद की है जिंदा शहीद है। वजह की सी एक गल समझने वाली है शहीद तो होंगे जिंदी गर्दन कट्टी जाए बात समझते हो तो वजह की सी ऐ अमल का कमाल सी कादा कमाल सी अमल का कमाल सी हजरत तलहा बिन उबैदुल्ला इंजना मेरे पाक पैगंबर ली सलाह तो सलाम का सहाबी तजारत चो नफा होया घर च दिरमो दिनार 7 लाख तो ज्यादा पै हुए ने ते परेशान परेशान फिर रहे ने ते बीवी कहन लगी अल्लाह वाले की गल है तुम सहाबा दियां हदीस सुनते रहते हो मामलात ए भी जरा हदीस सुनो तो इंजना कहन लगी अल्लाह वाले की गल है हरमान लगे घर के
सत लख दिरहम दिनार पै होए ने, मैं परेशान हाँ गल सुनी ना। तो मेरे पाक पैगंबर ली सला तो सलाम दे दीवाने ते परवाने, जिमें मर्द ने उवें ही औरतां भी बामल ने, उवें भी सहाबियात बामल ने, गल सुन दिया ने ते फरमान लगियां, वेखो अजे तहज्जुद दा वेला है, परेशानी किस टाइम है, रात दे आखरी हिस्से चुट गए, मियाँ बीवी एक दूजे नूं दस रहे ने, मियाँ कह रहे मैनू परेशानी है, घर दे विच माल पिया होया है, ते बीवी कहन लगी अल्लाह वालिया इंज करना, कुछ बर्तन जड़े छोटे छोटे पैने, कुछ कपड़े दे इंजना छोटे छोटे पीस बना लै, इन्ना च दिरहमो दिनार पा लै, सुबह मस्जिद नबी जैसे हाबा आन गए ना, नबी दे परवाने आन गए ना, नबी दे दीवाने आन गए ना, जेड़े माड़े गरीब हो गए ना, गल सुनो ना, चाह के उन्ना च सारा माल तकसीम कर देना, सारा माल तकसीम कर देना। इल्लज़ीना आमनु वामिलुस्सालिहात, अमल नाल जिंदगी बनती है, वेखते जाना सहाबा दियां जिंदगियां नूं, वेखते जाना मेरे पाक पैगंबर ली सलातो सलाम दे यारां नूं, कुरान कह रहा है इन्नल्लज़ीना आमनु वामिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीना फीहा। अल्लाह फरमांदे ने सुनिया जेडे नेक अमल करन वाले ने उन्हां वास्ते खैर ही खैर है, किए खैर ही खैर है। कायनात दे इमाम अली सलातो सलाम दे सहाबा इकराम सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह ने इंज जदों जंगे उहद होई ना, ते सहाबा इकराम सारे लड़ रहे ने, लड़ाई हो रही है, लड़दियां लड़दियां तलहा बिन उबैदुल्लाह ना मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दे सामने चले जाते ने। बारह अंसारी सहाबी ने, इन्हां दे विचों एक सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह, सुनियो इजाजत देवो ना मैं लड़ाई करा, आका सोनिया इजाजत फरमाओ ना मैं लड़ाई करा, ते जगां दे पीर रब दे हबीब अली सलातो व सलाम मेरे पाक पैगंबर ली सलाम फरमांदे ने तला बै जा, तू नहीं अजे लड़ना। जी महबूब सोनिया, एक सहाबी अगे आंदा ये भी शहीद हो जांदा है, दूजा आंदा ये भी शहीद हो जांदा है, हर वार तला कह रहे ने महबूबा मैनू इजाजत देवो, महबूबा मैनू इजाजत देवो। मेरे पाक पैगंबर ली सलातो सलाम दे तला वक्त आया, यारह सहाबी शहीद हो जाते ने, तला तलवार लै के खड़े हो जाते ने, आ फरमाते ने तला आना यार मेरे खातर मैदान दे अंदर सामने आ जाना, तला सामने आ जाते ने, लड़ाई हो रही है इंज दुश्मन का हमला जरा सख्त हुंदा है, ते तला जल्दी नाल थले बह जाते ने, महबूब जी मेरे कंधियां ते पैर रख के चढ़ाई ते चढ़ जाओ, आका जड़े तीर आनगे जड़िया तलवारां बरसनगियां, तला अपने वजू ते बर्दाश्त करेगा। महबूब सोनिया तुसी चढ़ाई ते चले जाओ, लड़दियां लड़दियां इंजना सैयदना तलहा रजी अल्लाह तआला अन इन दुश्मन ते हमला करदियां करदियां, एक दुश्मन ने हमला किया, वार किया, हजरत तलहा दा एक बाजू कटिया जांदा है, मेरे पाक पैगंबर सामने ए तलहा दियां मुहब्बतां वेख रहे ने, ओए कल तक मुखालफतां करन वाले, कल तक दुश्मनी करने वाले, आज जाना निछावर कर रहे ने, आज मोहब्बत का अंदाज ही बदल गया है, तरीका कार ही बदल गया है। सैयदना तला इंज सामने बार बार आ रहे ने, जेड़ा तीर आंदा है जिसम ते सही जा रहे ने, जेड़ी तलवार
चल दिए जिसम ते सही जा रहे ने। अल्लाह की कसम उन्हें अमली तौर पर मैदान जिहाद अंदर भी देखा आया है, उन्हें अमली तौर पर आम जिंदगी अंदर भी मुहम्मद के सिपाही बन के विखाया है। सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दी साते गिरामी मेरे पाक पैगंबर ली सलातो वसलाम दा परवाना। लड़दियां लड़दियां सैयदना तलहा एक गड़े च डिग जांदे ने, जंग दा इख्तिताम होया। मेरे आका फरमांदे ने सहाबियो हाजरी लाओ, हाजरी लाई जांदी है। आप फरमांदे ने तलहा दा पता करो, मेरा तलहा किते लभदियां लभदियां तलहा एक गड़े दे अंदर पै ने, इंज गड़ा भी खून नाल भरिया है। जवानियां अल्लाह ने अता फरमाइया सन, खून दे विच लद पद सैयद ना तलहा पै होए ने। ते जगां दे पीर रब दे हबीब अली सलाम इंज मेरे नबी वेंदे ने ते आप फरमांदे ने, इंज लगदा है जिवें तलहा अपने रब नाल जा मुलाकातां कीतियां ने। सहाबी ओ तलहा नू चुक के मेरे कोल ले आओ ना, सहाबा जांदे ने ते सांसां चलदियां चलदियां मालूम होंदियां ने। सहाबा ने चुकिया मेरे पाक पैगंबर लई सलाम दे कदमां च लिया के रखिया, ते आप फरमांदे ने तलहा ओए मेरे तलहा गल सुन लै, ओए साथियो सहाबियो गल सुन लवो, जे किसे ने जिंदा शहीद वेखना मेरे तलहा नू वेख लवे। महबूबे ते जिंदा है, महबूबे दे ते सांस बाकी ने। आप फरमांदे ने सहाबियो अल्लाह ने इनू अजरे अजीम अता कीता है, इनू गाजी दा भी अजर है, इनू शहादत दा भी अजर है। ओ सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह ताला रज़ी अल्लाह ताला अन मेरे पाक पैगंबर ली सलातो सलाम दा दीवाना ते परवाना। अंज मेरे पाक पैगंबर ने हुक्म दे छड़े आए, तलहा दी मरहम पट्टी कीती गई, ते जान दियो कितने जख्म लगे ने साथियो, 70 जख्म सैयदना तलहा नू लगे ने। इत्थे ते छुरी दा एक जख्म लग जाए ना, किसे तलवार दा जनाब एक जख्म लग जाए ना, एक कांटा ही क्यों ना चुभ जाए, तबीयत बेचैन हो जांदियां ने। 70 जख्म खा के मुहम्मद रसूलुल्लाह दा दिफा करके दसिया, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी, इंज जन्नत बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। ये सैयदना तलहा ने एक भी फकत आया, आप फरमांदे ने तलहा जवा दे, तलहा ओहद वाले दिन खैर तेरे आए, महबूब किवें जवा दे। एक बंदा सैयदना तलहा दे कोल आ गया, आके आंदा तलहा इंज करो ना, मैनू सिर टक्कन वास्ते कोई छाती दे छड़ो ना। ते सैयदना तलहा फरमांदे ने गल सुन लै, ऐ मदीने दे विच जिहड़ा मकान नजर आ रहा है, ऐ खूबसूरत जिहड़ी कोठी नजर आ रही है, जा मैं तेनू दे छड़ी। ए बंदा कहन लगा आंदा तलहा मजाक देना करना यार, माड़े बंदे नू मजाक नहीं करीदा, भला मैनू मेरी हैसियत है वे मैं कोठी रख लवा। हजरत तलहा रो पैंदे ने, क्यों अल्लाह दी कसम उन्हां नू पता सी, उन्हां कुरान सुनिया सी ते फिर अमली तस्वीर भी बन के वगाया। मसलुल लजीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलातिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। उन्हें कुरान सुनिया सी जिहड़ा रब दे रस्ते च खर्च करन वाला है, अल्लाह पाक नू बड़ा ही प्यारा लगदा है। अल्लाह पाक ने तो मिसालां दे छड़ियां ने, रब उन्हूं वधांदा ही चला जांदा है, रब उन्हूं अता करदा ही चला जांदा है। आ वेखो कुरान सुनिया अमली तस्वीर बन गया, अमल करके दिखाया। की करके, की करके, अमल करके दिखाया, अमल करके दिखाया। सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन इंज फरमांदे ने, जा तेनू मकान दे छड़े आए, आंदा हजरत मेरी इन्नी हैसियत नहीं। ते आप फरमांदे ने यार गल सुन लै, 8 दिरहम दा
दिरमो दिनार दा मकान है, 8 लाख दिरमो दिनार दा मकान है। ते गल सुन लै, भावें नी रकम लै लै ते भावें मकान रख लै। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है किसे जी इतनी हिम्मत जुर्रत। साढ़े तो घर जनाब एक कोठी है ना, तो 20 कमरे ने, तो ये नहीं हिम्मत पैंदी भी चलो कोई ऐसा जिन्हों असी सर ढकन वास्ते छत दे दईए। मोमिन मुसलमान है तो कोई 4 डंगर रखे ने तो हिम्मत नहीं है कोई 1/2 किलो दुध जड़ा ना मैं रोज़ किसी गरीब नूं दे छड्डां। तो मोमिन मुसलमान ही सब तो वड्डे नारे असी बाजारां च इंज मारने हाँ कि साढ़े तो वड्डा कोई मुहब्बत आशक ही नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा दुनिया च किसे लिए आसानी पैदा करता अल्लाह कल क्यामत उहदे लिए आसानी पैदा करेगा। क्या हदीस नहीं सुनी आपने? मैं एक बंदा कर्जा लैंदा किसी कोलों ते वह कर्जा वाला मुतालबा करता हुंदा लिया मेरा कर्जा दे तो आंदा यार गल सुन मेरे को कर्जा नहीं बनया तेरा 50,000 मैं देना मैं दे नहीं सकिया मैं तैनू परसों 300 महीने 2 महीने दे देंगा। फरमाया इस बंदे नू की मिलेगा? अल्लाह फरमांदे ने महबूब ऐलान कर दियो इन्हां नू दस दियो जे तू 2 महीने की मोहलत दिती है हर दिन अल्लाह उस 50,000 का सदके का सवाब अल्लाह तेरे नामा माल च लिखता रहेगा। सरा थोड़ा जहा अमली मुजाहरा करके विखाओ, थोड़ा जहा किसी लिए आसानी पैदा करके विखाओ। अल्लाह सानू समझन की तौफीक नसीब फरमाए। जगां दे पीर रब दे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वसलाम दी ज़ाते गिरामी मेरे पाक पैगंबर ली सलातो वसलाम दे सहाबाए कराम अल्लाह दी कसम अमली अंदाज अमली जिंदगी दा जड़ा अंदाज उन्होंने अपनाया है ना। गौर करना जरा अपने मन नू मार के अपने अंदाज नू बदल के जरा तलखियां नू भुला के। मैनु याद आया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज सारे को रहमतुल्लाह ताला अलैह इन्ना सिर्फ 39 साल उम्र पाई है कितनी आए तो जमाना पुकार उठा सी उमरे सानी के नाम से। उम्र तो बाद कोई उम्र है तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह 2 सालों इतना अदल कायम कर छड़िया। प्यारे भाइयों गौर करना नबी ए गुल नबी ए कायनात अली सलाम का दीवाना ते परवाना मेरे पाक पैगंबर ली सला तो सलाम दाए परवाना एंजना जा रहा ने रस्ते दे अंदर। गौर करना जरा ध्यान नाल सुनना रवा जा रहे ने रस्ते दे अंदर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह बाजार च जा रहे ने ते बाजार छोटा सी इंज लंघे ते कोई मलंग कोई दरवेश बाजार च लेटिया होया सी उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह दा पाँव इहदे वजूद नाल लग जांदा है। ते तुहानू पता अचानक बंदा उठे ते की हुंदा है अक्सर लफ्ज़ हुंदे ने भी तू अन्ना है तेनू नज़र नहीं आउंदा ए उठिया ते कहन लगा आंदा तू अंधा है तेनू नज़र नहीं आंदा है। ते हजरत मुस्कुराए हरमांदे ने नहीं नहीं मैं आंदा ते नहीं आ ते नाल दे सिपाही सन तलवार हाथ अंदर है नेज़े हाथ अंदर ने कहन लगे हजरत जी गल सुनो ना इनू पता नहीं तुसी मुसलमाना दे जनाब ए अमीरुल मोमिनीन हो तुसी मुसलमाना दे हुक्मरान हो। ते हजरत फरमांदे ने जाती हो गल सुनो ना हर गल नू मनफी लेंदे हो हर गल नू मनफी लेंदे हो कदी मुसबत अंदाज भी अपनाया करो ना। उन्हें बेचारे ने ए पूछया है तुसी अंधे हो ते मैं क्या नहीं मैं अंधा नहीं ये दे च केड़ी गलत गल है हाय हाय ये दे च केड़ी गलत गल है ये दे च कोई केड़ी वड्डी गल है ये टुर पै ये दरवेश उठदा है ते उमर बिन अब्दुल अजीज दे पैरां च डिग पैंदा है आंदा उमर गल सुन ले उमर बिन अब्दुल अजीज अल्लाह तेरे ते करोड़ा रहमतां नाजल करे अल्लाह तेरे ते अपनियां बरकतां नाजल करे कौम दे राहबर इंज दे ही होने चाहिए ने कौम दे रहनुमा इंज दे ही होने चाहिए ने। मेरे पाक पैगंबर ली सलातो सलाम दे दीवाने ते परवाने बल्कि हजरत इमाम अबू हनीफा सारे को रहमतुल्लाह ताला ले जिंदगी मैं बात कर रहा मन भी रवैये अमल पता जिंदगी असी कोई गल दस दे ना कोई चंगी गल दस दे उन्होंने गल इंजे भी ठीक गल तो सही है यार मामला तो सही ने पर आप नहीं सही आप नहीं सही हाँ हाँ अपने आप में भी दुरुस्त करना है लोग नोट कर देने इस बात को बात याद रखना। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ना इन्हां दे वालिद फौत हो गए अल्लाह करोड़ा रहमतां नाजल फरमाए वक्त दे वली फिक दे इमाम हजरत
हज़रत रामोला दे बाप फौत हो गया, तो बाप फौत होए ना तो हज़रत इंज ना परेशानी अंदर ने, तो बाज़ार च निकले तो बाज बंदे जदों वैर विड़दे ने, जदों तकलीफ देंदे ने ते मौका ताड़ लेंदे ने, मौका बने नू हुण तकलीफ दियो ना अल्लाह दे वली ना। इंज बाज़ार चो लंघ रहे ने चलदियां चलदियां एक बंदा मिल जांदा है, ये हज़रत इमाम साहब दे बड़ा ही मुखालफ है। कहन लगा इमाम अबू हनीफा मैं सुनया है तेरा बाप फौत हो गया। हरमान लगे जी जी मेरे अब्बा जी फौत हो गए ने। ते फरमान लगे गल सुनो ना, अजे तीन दिन गुजरे ने मेरे बाबा जी फौत होए ने, ते तुहानू हुण पता लग्या जी? मैनू हुण पता लग्या। अच्छा, ते बंदा इंज हज़रत टुरन लगे ना ते कंधे ते हाथ रखदा, आंदा इमाम साहब गल सुनो मैं एक गल करना चाहना। हरमाया जी गल करो ना। कहन लगा अपनी माँ नू पुछना मेरे नाल निकाह कर लवे, तुहाडा ते बाप फौत हो गया है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह। मौका वेखो कैसा है, हाय और मक्के दे बदबख्त भी त्याग के आते सन मुहम्मद तेरी नस्ल ख़त्म हो जाएगी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, ये भी आते सन। ये तो हमेशा अल्लाह वाले नाल हुंदा रहा है। तो ये आके जो क्या ना, तो हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह अखां डुल पईआं, शागिर्द ने इंज सोटी चुकी, हरमाया पुत्रा नहीं नहीं गल सुन लै, एदा ज़रफ ही इन्ना है, एदा ज़रफ ही इन्ना है, एदा हौसला ही इन्ना है। उन्हें अमली तौर ते अखलाक दा मुजहरा भी करके विखाया, उन्हें सिर्फ ये नहीं सुनिया, सिर्फ सुन के पढ़ के नहीं छड़ छड़िया कि मेरे नबी मारा खा के भी दुआवां करदे सन, मेरे नबी पत्थर खा के भी दुआवां करदे सन, मेरे नबी दियां बेटियां नू खंजर मारे जांदे, मेरे नबी बेटियां दियां बेटियां दे कातल नू भी मुआफ करदे सन, चाचे हमजा दे कातल नू भी मुआफ करदे सन। ओ नबी अखलाक दा मुजारा करदे सन, ये अल्लाह वाले सन। इन्हां नू अल्लाह दे वली कहा जांदा है, रजिस्टर्ड वली कहा जांदा है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह इस साथी वाले मुखातब हुंदे ने, फरमांदे ने साथियां गल सुन लैना यार, असल अंदर ना 3 दिन गुजरे ने, सोग दी कैफियत असी बाहर आया, जदों मेरी मां दी इद्दत पूरी होवेगी ना ते मैं अपनी मां नू पूछ लवांगा, मां जी तुसी अगे शादी करनी है ते फलां बंदे ने ख्वाहिश दा इजहार कीता है। ये बंदा हैरान ही रह जांदा है, ये बंदा जमीन ते ही डिग पैंदा है। आंदा इमाम साहब मैं ते सारी जिंदगी मुखालफत फिटदा रहा, मैं ते सारी जिंदगी तुहाडे बारे गल्लां ही करदा रहा। ते इमाम साहब फरमांदे ने ओए साथिया अल्लाह तेरे ते रहम करे, तू जाने ते ओ गल्लां जानन ते रब जाने, तू आया है ना, तू सवाल कीता है ना, मैं तेनू जवाब दे दिता है, मैं तेनू जवाब दस दिता है। शागिर्द भी गल सुन रहे ने, इंज दी जिंदगी ऐ जिंदगी बनाओ। अल्लाह दी कसम कुरान कह रहे हैं, इल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहात फलहुम अजरुन गैरु ममनून। अल्लाह फरमांदे ने सोनिया जेड़ा बंदा अमले साले करदा, अमल करदा, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। मैं गल ही अमल दी समझा रहा, मैं गल ही अमल दी कर रहा। बेअमला बंदा अल्लाह दी कसम ओदी कोई जिंदगी ही नहीं। बेअमला बंदा क्यों, पंजाबी दी मिसाल किसे घड़े दा ढक्कन नहीं हुंदा, उन्हें जिदी सुनियो आंदा ठीक है, जिदी सुनो आंदा ठीक। उन्हें प्रैक्टिकल करके वेख्या होवे, अमल करके वेख्या तां उन्हूं पता होवे, इस लज्जत दा तां उन्हूं पता होवे भी अमल की। ओए भाईओ, कदी कदी बंदा अमल करे, हिम्मत करे, कोशिश करे ते फिर भी हार जाए, ते जड़ी लज्जत मेहनत हिम्मत नाल अमल करके हारन अंदर है ना, वो फ्राड करके जितन अंदर भी नहीं मिलती। कभी इस लज्जत नूं भी महसूस करया करो। लाजम तो नहीं भी असी दुनिया च जितन वास्ते हर चीज़ आए हैं, दुनिया च असी सिर्फ इसे मामले आए हैं भी साड़ी वाह वाही होए, इस तरह तो नहीं। मेरे नबी ने फरमाया कयामत का दिन होएगा, एक नबी आएगा उनके नाल दो उम्मती होंगे, किन्ने उम्मती
हजूर ने फरमाया एक नबी आएगा उन्होंने कोई भी नहीं होना। हाय हाय, सारी सारी जिंदगी लगा दी। इस वास्ते इहदा इह मतलब नहीं जिंदगी असी कोशिश करते रहे सानू नहीं मिलिया तो रब नूं राएगा करेगा। तुसी कोशिश की अमल वास्ते इंशाल्लाह अल्लाह कल कयामत नूं वह बायसे अजर बनाएगा साढ़े वास्ते इंशाल्लाह। सहाबा इकराम सहाबियात दीन वास्ते कोशिश हिम्मत करते रहो। सैयदा सैयदा उम्मे शरीक रदी अल्लाह ताला सारे को रदी अल्लाह ताला अन्हा। तुहानू पता ना पिछला जुमा साथियों ने पढ़िया है तो मैंने पता कई साथियों बातें ना गुवार गुजर दियाँ तो इंशाअल्लाह कुरान उदी इसकी लज्जत पलट आउणगे अल्लाह की रहमत नाल अल्लाह की तौफीक नाल। अल्लाह हदायत सारयां नूं नसीब फरमाए। आमीन कह दिओ यार। अल्लाह की कसम जो बाजारां च होया मैं फिर कहना कोई भाई महसूस ना करे, जो बाजारां च होया मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करदा पिया सां कि अल्लाह तू सानूं अकीदा तौहीद नसीब फरमाया है। मुल्तान के अंदर बाकायदा तौर पर क्लिप मौजूद है मेरे को, बाकायदा तौर पर ईद मिलादुन्नबी के जुलूस अंदर परी नूं कढ़िया गया। जानते हो एक औरत नूं सजा के सामने बिठाया गया है और मेरे मुस्तफा के नाम के नारे मारे गए ने वाले आउस बिल्लाह ताला। वहाबी ओ सुनियो बात यह नहीं है कि होया की, बात यह है कि साड़ी बेहिसी कितनी है। अल्लाह सानू बामल बनाए। आमीन कह दियो। अल्लाह नबी नाल पक्की सच्ची मुहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब वेखना सईदा उम्मे शरीक रदी अल्लाह ताला ना इन्होंने ना कलमा पढ़ लिया तो मक्के दे अंदर सन तो मक्के दे विच सईदा उम्मे शरीक ना रदी अल्लाह ताला ना अंसार सहाबा भी आए ने, अंसारियां दे कुछ औरतां भी आईयां ने, इन्हां नूं नाल लैके ना मक्के दे घरां दे अंदर चलियां जांदियां ने ते जाके ना चुप करके दावत दे रहियां ने। आ अमली मुजाहरा है, तबलीग दा अमली मुजाहरा है, अमल करके वखा रहियां ने कि मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने फरमाया तुहाडे तक एक आयत भी पहुँचे, तुहाडे तक एक हदीस भी पहुँचे तो अगे पहुँचा देवो ना। मेरे पाक पैगंबर बरली सलाह तो सलाम दिए सहाबिया इंज मक्के दे बाजारा च चल रही ने पुछा रही ने जिहड़ी कोई औरत मिलती है ओदे घर चलिया जांदियां ने, जिहड़ी कोई खवातीन चो कोई मिलती है ओदे घर बह जांदियां ने। आहिस्ता आहिस्ता मक्के दे इन्हां गुमाश्तियां नूं पता लग गया उम्मे शरीक ते मुहम्मद दे दीन दी तबलीग पई कर दी है, उम्मे शरीक मुस्तफा दे दीन दी तबलीग पई कर दी है। इंज ना सैयदा उम्मे शरीक नूं पकड़ लिया रज़ी अल्लाह ताला ना। वक्त गुजरिया कहन लगे उम्मे शरीक गल सुनना असी तेनू वापस ना छड़ आउने तेरे इलाके अंदर क्योंकि तू औरत ते है जरा तगड़े कबीले नाल ताल्लुक सी। तो तुहानू पता तो हमेशा गल रही है ना तगड़ियां नाल गल जिहड़ी है वह तो हर वक्त जमाने दे विच मसावात का ख्याल नहीं किया गया, इस जमाने च भी नहीं किया जाता इला माशा जिन्हें अल्लाह पाक अपना रहम करे। अल्लाह पाक रहम ही फरमाए। अल्लाह मसावात का सानू हामी ते पैकर बनाए। तो इंज उम्मे शरीक रदी अल्लाह ताला ना फरमादियां ने मैनू नाल लैके चल पैने ते खुद ते ना कोई जिस्मानी तकलीफ नहीं पहुँचाई तो पता की करते ने इंज ना सवारी ते जिहड़ी ते बिठाया है ऊंठनी ते बिठाया है थले कोई कपड़ा नहीं। बड़ी मुश्किल होंगी इस तरह सवारी करनी, जेडे सवारी करते उन्होंने पता है बड़ी मुश्किल होंगी है। अरब दारे गस्तान है तो एक जगह ते कयाम किया ना खान नूं दिता है ना पीन नूं दिता है। उम्मे शरीक फरमांदियां ने दूजा दिन भी इवें गुजरिया आखिर ते औरत सी ना आखिर ते मेरे पाक पैगंबर ली सलातो सलाम दी सहाबिया आखिर ते इंसान सी भुख ने सताया प्यास ने सताया। उम्मे शरीक फरमांदियां ने तीजा दिन चढ़िया मैं गशी नाल डिग पई ते ए ताने मारन लग पै आंदे ने पुकारना उस रब नू पुकारना अपने अल्लाह नू पुकारना जिदा नाम लैनी है आपे सारे सौ जांदे ने। उम्मे शरीक फरमांदियां ने लोगो गल सुनो ना वक्त गुजरिया मेरे पाक पैगंबर ली सलातो सलाम दी सहाबिया फरमांदियां ने इंज ना अचानक आसमान वल
ਵੱਲੋਂ ਇੰਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਚੰਦ ਕਤਰੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਨੇ ਇਸ ਬਰਤਨ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਮਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹਾ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਹਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਗੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਣਗੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦੀਨ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੰਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੰਤਕਾਮ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਉਮੇ ਸ਼ਰੀਕ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਗੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੀ ਉਮੇ ਸ਼ਰੀਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ 'ਤੇ ਬਹਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਂ ਉਮੇ ਸ਼ਰੀਕ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ੇ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਲਈ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੇ ਉਹ ਤਰਬੀਅਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਗਾਓ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਮਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਲ ਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਤੀ ਹੈ ਜੰਨਤ ਵੀ ਜਹੰਨਮ ਵੀ ਐ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਬਾਂ ਦੀ ਮਾਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਵਕਤ ਦੇ ਕੇ ਔਲਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਜਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਲਗਾਇਆ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਲਈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਮੇ ਨਾ ਵਾਤਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਉਮੇ ਸ਼ਰੀਕ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਗੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਨਾ ਪੁਕਾਰਨਾ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਪਿਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਮਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕਾਫਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਇਸਲਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਇਸਲਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਪਲ ਪਲ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਸ਼ਹਾਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾਹ ਵਾ ਅਸ਼ਹਾਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਸ ਅਮਲੀ ਔਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੁਜੱਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਗਾਲਬਨ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਕਜ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਏਵਿੰਡੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਉਹ ਵਕਤ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਵਕਤ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਾਸ ਆਪਣੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲੀ ਬੰਨੀ ਸੀ ਕੀ ਬੰਨੀ ਸੀ ਕੀ ਬੰਨੀ ਸੀ ਸੰਗਲੀ ਬੰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ
जिमें सादगी उन्हें तबलीगी जमात ने अपनाई उवें उन्हें अपनाई, कपड़े भी उंजदे पहने। जहरी गल किसी के रंग जो ढलन वास्ते उंज का रंग अपना पैंदा। उन्हें कहा उन्हें दस्या जी ये संगली इस वास्ते बन्नी है भी कोई गिलास नूं चुके ना लै जाए। यकीन मानिए उस मुजल्ले वाले ने बात लिखी है कि उन्हें अगली फ्लाइट की टिकट करवाई और वापस चला गया। उन्हें कहा अगर अमली मुसलमान ऐ है तो फिर मैं मुसलमान नहीं हो सकता, मैं फिर मुसलमान नहीं हो सकता। असी किताबी मुसलमान हाँ, अस सिमाती मुसलमान हाँ। सुन लिया बस, बड़ी गल है जी, बड़ा इस्लाम है, बड़िया कुर्बानियां ने, बड़ा वाज है, बड़ा जनाब तहरीर है, बड़ा बड़ा कुछ लिखने वाले ने लिख दिता है। अमल की है? अमल साढ़े पल्ले नहीं, साढ़े वड्डियां दे अमल वेख के यहूदो नसारा मुसलमान हो जाते सन। बाबा जी समसाम रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक बाजू नहीं सी शायरे इस्लाम, अल्लाह उन्होंने कबर ते करोड़ा रहमत नाजल फरमाए। यकीन मानिए मैं उन्होंने हालात जिंदगी पढ़ी है। हज़रत बाबा जी जदों अपना किरदार विखांदे और उन्होंने लफ्जा च रब ने इतनी तासीर पैदा कर दी, हिंदुओं के मजमे च जाके मुस्तफा की नाद पढ़ते तो हिंदू चौकदार मुसलमान होंदे जाते, ये अंदाज बन जाता। लेकिन साडा अंदाज की है, वो आंदे ने मुसलमान ने हर काम च बेईमानी, हर काम च इश्के रसूल का नारा है, इश्के रसूल के नारे च ये क्यों नहीं आता मैं दाढ़ी रख लैना, ये क्यों नहीं आता इश्के रसूल के नारे च मैं सूद छड़ देना, मैं झूठ छड़ देना, बस नारा है। इस तरह अल्लाह के बंदो इस्लाम ने इस तरह सानू दीन सिखाया, सारा नहीं सिखाया। बात वो ही है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। इस वास्ते आओ एक दो मिसालां सुनो, बात मुकाइए। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वसलाम दी ज़ाते गिरामी कायनात दे इमाम अलैहि सलाम ने हदीस बयान फरमाई। आप फरमांदे ने सहाबियो जिहड़ा बंदा जितने कदम मस्जिद वल्ले चल के आउंदा ना, गौर करना अमली तस्वीर अमली अंदाज सहाबा दा, सहाबियो जिहड़ा बंदा चल के आउंदा है अल्लाह एक एक कदम के बदले सवाब अता करदा है। जुमे दा सवाब मेरे नबी ने अलहदा बयान फरमाया, सहाबा ने सुन लिया। वक्त गुजरिया, एक मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दा अंसारी सहाबी है, एदा मकान ना मस्जिद नबी तो वावा ही दूर है भी वडेरा जिहा सहाबी है। जरा मुहब्बतां दा अंदाज वेखना, जरा अमल दा अंदाज वेखना, जरा अमली जिंदगी मेरे नबी दे यारां दी वेखना। इंजना मस्जिद वल्ले आउंदा दूरों चल के आउंदा है भी वडेरा है, मदीने दे बाजार भी कच्चे ने, कदी कदी ठेडा भी लग जांदा है, कीड़े मकौड़े भी ने, कोई बत्तियां दा इंतजाम ते नहीं सी है। इशा की नमाज वेले आंदा होएगा, सुबह की नमाज वेले आंदा होएगा, अंधेरे च आंदा होएगा। ये सहाबी आंदे ने ते सहाबी फरमांदे ने, मैं जदों वेख्या ना इनू ते मेरे दिल च बड़ा तरस आया। मैं क्या यार गल ते सुनना, इंज कर कोई सवारी तेनू खरीद देने, कोई सवारी तेनू लै देने। वेखो एक दूजे नाल मुहब्बत दा अंदाज, ऐसी मुसलमान ऐसी मोमिन ऐसन सहाबा। और दस अज दुनिया दे लोकां नू तेरी केड़ी सुनावा, गल मुस्लिम ना ओ शान रही ना ओ आन रही ना ईमान दियो। थर थल मुस्लिम जदों पहले हुंदा सी ते तो गुना कोई फिर पहचान हुंदी सी, रब तोड़ी अल्लाह दी कसम फिर अल्लाह अल्लाह करदा मालिका गुनाह हो गया, अल्लाह मेरे को गलती हो गई है। ऐ वेखो ना ये हजरत साहब नाम इंज फरमान लगे, आंदे ने तेनू सवारी लै देने आं, ते नबी दा परवाना ते दीवाना कहन लगा, आंदा मैनू सवारी नहीं चाहिदी, मैं सवारी नहीं रख सकदा। अच्छा गल सुनना, तेरा मकाम दूर है, तू नमाज करीब ही पढ़ लिया कर। ए रो पैंदा आंदा ओ की प्याना है, की पेड़ियां गल्लां करना है, केड़ियां गल्लां मैनू दस रहा है। मेरे नबी अली सलाम ने फरमाया सी जिन्ने कदम चल के आओ, ओ हदीस इंज रखो, जिन्ने कदम चल के आओगे अल्लाह पाक उन्ने कदम जितने ज्यादा होंगे अल्लाह सवाब भी उतना
ज्यादा अता फरमाएगा ते मैं मस्जिद नबी दे कोल मकान नहीं बनाना, मैं सवारी भी नहीं लैनी। ते गल च पैंज मेरे नबी अली सलाम तक आई, हजूर तक गल पहुंची ना। ते जगां दे पीर अली सलाम नू हाला सियाबी शिकायत लाई, महबूब आंदा मैं मस्जिद नबी कोल मकान नहीं बनाना। इतनी सादत वाली बात है, इतनी मुहब्बत वाली बात है, महबूब आंदा मैं मकान नहीं बनाना। ते सहाबी ने हदीस सुन रखी सी ते अमली तस्वीर बन गया। आंदे ने सोनियो गल वे तुसी आपे ते फरमाया सी जितने कदम चलोगे अल्लाह उतना ज्यादा सवाब अता फरमा देगा। मेरे नबी मुस्कुरा पै आ फरमांदे ने हाँ बई प्यारिया तू जड़ी खैर लभ रहा है अल्लाह ने सारी तेरे लिए जमा कर दीती है। इल्लज़ीना आमनु वामी सालियात जिहड़ा नेक अमल अमल करता है अमल नाल जिंदगी है। इंज जंग दा वेला आ गया, जगां दे पीर अली सलाम ने ऐलान फरमा दिता। आ फरमांदे ने सहाबियो जिहाद फर्ज़ ऐन, जिहाद फर्ज हो चुके है, आओ ना सारे जिहाद करिए। सैयदना हंजला रज़ी अल्लाह ताला रज़ी अल्लाह ताला अन इंजना शादी होइए, शादी दी पहली रात है, हंजला दिन चढ़िया है और जंग दियां तैयारियां हो गई ने। वाह नबी दे परवाने हो, थोड़ी अजमत तो भी कुरबान जावा, थोड़े अंदाज़ तो भी कुरबान जावा। हंजला निकलते ने तलवार चुकीए, मैदान कारसास चले जाते ने। लड़ाई करदियां करदियां लड़दियां लड़दियां इंजना अज हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला सारे को रज़ी अल्लाह ताला रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत अबू सुफियान अजे मुसलमान नहीं सन होए। अबू सुफियान दे घोड़े नू तलवार मारदे ने, इहदियां लत्तां कटियां जांदियां ने। हज़रत अबू सुफियान ते हमला करन लगदे ने ते पिछों अबू सुफियान दा साथी हज़रत हंसला दे इंज वजूद दे अंदर तलवार मारदा, पेड़ च विच आ के तलवार इस तरह बाहर निकल जांदी है, तलवार पिछों वजदी है ते पेड़ चों निकल जांदी है। सैयदना हंसला शहीद हो जाते ने, जमीन ते डिगदे ने शहीद हो जाते ने। मेरे पाक पैगंबर अली सलातो सलाम नू पता लग्या, आका अली सलातो सलाम ना इंज मेरे नबी बैठे ने सकता सकता खमोशी खमोशी है। सियाबां दे ने सोने हो असी हंजला दे लाशे नू तकिया है, अल्लाह दे नबी अली सलाम जी ओदे ते वालां चो पानी पिया डिगदा सी, महबूब पानी पिया डिगदा सी। ओ एक ऐलान आया अमल सहाबियो मैदान च निकलो, सहाबियो इस्लाम ले निकलो, वेखो ना अमल ऐ जे अमल, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। सहाबी सैयदना हंजला दे मुतालक दस रहे ने ते मेरे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वसलाम फरमांदे ने, आ फरमांदे ने सहाबियो सुन लवो मैनू जिबरील दस गया है, हंजला दी शादी हुई सी पहली रात सी, हंजला ने ते अजे गुसल भी नहीं सी कीता, मेरा नाम सुनया है, मेरा पैगाम सुनया है, हंजला तलवार चुक के मैदान जंग विच आ गया है। इल्लज़ीना आमनु आमिलु सालिहात फालाहुम अजरुन गैरु ममनून। हंजला मैदान जंग च शहीद हो गया ते जानदे हो सहाबियो पानी क्यों पिया टपकदा सी, सहाबियो मैनू अल्लाह ने आप वखाया है मेरे हंजला नू ना आसमान दे फरिश्ते गुसल पै देंदे सन, आसमान दे फरिश्ते गुसल दे रहे सन। ए नबी दे यार सन जिन्ना अमली जिंदगी अपनाई है, जिन्ना अमल करके दिखाया है। प्यारे भाइयो अमल दे नाल जिंदगी है, बात याद रखना, अमल भी इखलास दे नाल होए ताई अल्लाह दी बारगाह अंदर कबूल हुंदा है। अल्लाह सुन सुना के अमल करन दी तौफीक नसीब फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।